नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का 4th चैप्टर, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय, कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। पहले हम इसकी सामरी को देखेंगे, पूरा सार क्या है, फिर उसके बाद हर एक स्टैंजा की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इसमें 3 स्टैंजास हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता, यानी वो कोई भी संवेदनशील नहीं होती, और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दर्द, इंसानों के दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सोए हुए दर्द को, जख्म को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है, उसे कुरेदा जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े, इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर, कॉमर्शियल क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है, और यह कविता एक व्यंग है मीडिया के ऊपर। अब हम इसकी पहली स्टेंजा को देखते हैं, जो शुरू होता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे से लेकर बता नहीं पाएगा तक। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं, वे अपनी बात को दूर दूर तक भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कैमरे में एक कमज़ोर और उदास प्राणी को बुलाएंगे, दुखी व्यक्ति को बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़ी या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हम बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए? यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर भी मौन रहेगा, तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना बहुत दुख देता होगा आपको, अब इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा, संचालक कहता है। तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे पर अधिक बड़ा करके दिखाया जाएगा, नज़र उसके चेहरे पर होगी, यानी उसका चेहरा पूरी फुल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है, अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा। अब हम इसके दूसरे स्टैंजा को देखते हैं, सोचिए बताइए से लेकर यह प्रश्न नहीं पूछा नहीं जाएगा तक। अब इसकी व्याख्या है, अपाहिज जी, आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने के कितना दुख है, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं? यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है, आपको कैसा लगता है ऐसा सोचकर? सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम के संचालक स्वयं बेहुदे से इशारा करता है, पूछता है कि क्या आप इस तरह का दर्द होता है, मतलब इशारा करके दिखाता है, कहता है क्या आपको इस तरह का दर्द होता है, सोचकर बताइए, ज़रा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए, अपने दुख के बारे में लोगों को बताइए मीडिया में। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मतलब कुछ नहीं बताना चाहेंगे? यह बढ़िया मौका आप खो देंगे, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिल रहा है। अब कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए, इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा, तब भी हमारी कोशिशों से वह रो देगा। दर्शक भी उस क्षण प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। कि संचालक कहता है कि मतलब उसका ये है कि लोग इस तरह का वेट करते हैं कि अपाहिज व्यक्ति है जो भाई अपना दर्द बताते बताते रो पड़े, उसे रोना आ जाए। संचालक ऐसा मानता है कि लोग इस तरह का वेट करते हैं। अब इसका तीसरा स्टेंजा देखते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे इसे लेकर बस थोड़ी ही कसर रह गई धन्यवाद तक। अब कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज व्यक्ति की सूजी हुई आँख दिखाते हैं, वे सूजी हुई आँखों को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं,
इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होंठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे, लेकिन असल में वह दर्द जो मीडिया वालों द्वारा पूछे गए सवाल हैं उसका दर्द होता है कि किस तरह के वह सवाल पूछते हैं, और लोगों को ऐसा लगेगा कि वह उस छटपटाहट उनकी अपाहिज होने का दर्द है। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिज के दर्द को इस तरह दिखलाएंगे कि ना केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्रायः होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन दोनों व्यय करना होता है और उसका ध्यान भी रखना होता है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएगा, वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाले कार्यक्रम को देखा, इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी ही कसर रह गई, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए, यदि दोनों इकट्ठा रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करता है, यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग हो। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर की समरी को और हर एक स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वेलकम टू यू मच।